सबसे पहले अपने दिल से हारने का डर निकालो। मतलब क्या आप हार सकते हो? हमेशा जब भी हम कुछ काम करने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लोग खुद आके हमें बोलते हैं या हमारा दिल बोलता है कहीं मैं हार ना जाऊं। किसी भी काम में हार और जीत चलता रहता है, पर जब आप हार मान लेते हो या पहले से ही सोच लेते हो कि मैं कहीं इसमें हार ना जाऊं या इसमें कहीं शिकस्त ना हो जाए, तो वहीं से ही आपकी हार निश्चित हो जाती है। अगर यही सोचने से पहले कोई भी रेसलर अगर रेसलिंग रिंग में जाए और सोचे कि मैं हार सकता हूं, तो वो कभी जीतेगा ही नहीं। अगर कोई भी क्रिकेटर किसी भी स्टेडियम में खेलने के लिए जाए और वो पहले ही सोच ले उस मैच से पहले कहीं मैं जल्दी आउट ना हो जाऊं, तो वो सेंचुरी कभी करेगा नहीं। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, जीवन में तरक्की पाना चाहते हो और चाहते हो हर वो चीज जिंदगी में आपको मिले जिसके लिए आपने दिल से कामना की है, दिल से चाहा है किस चीज को, तो सबसे पहले अपने दिल से हारने का डर निकालो। मतलब क्या आप हार सकते हो? हमेशा जब भी हम कुछ काम करने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लोग खुद आके हमें बोलते हैं या हमारा दिल बोलता है कहीं मैं हार ना जाऊं। किसी भी काम में हार और जीत चलता रहता है, पर जब आप हार मान लेते हो या पहले से ही सोच लेते हो कि मैं कहीं इसमें हार ना जाऊं या इसमें कहीं शिकस्त ना हो जाए, तो वहीं से ही आपकी हार निश्चित हो जाती है। अगर यही सोचने से पहले कोई भी रेसलर अगर रेसलिंग रिंग में जाए और सोचे कि मैं हार सकता हूं, तो वो कभी जीतेगा ही नहीं। अगर कोई भी क्रिकेटर किसी भी स्टेडियम में खेलने के लिए जाए और वो पहले ही सोच ले उस मैच से पहले कहीं मैं जल्दी आउट ना हो जाऊं, तो वो सेंचुरी कभी करेगा नहीं। ऐसे ही कई तरह की जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं। किसी भी वकील साहब के सामने जब आर्ग्यूमेंट चलता है और वो ये सोच ले कि मेरे सामने जो अपोजिशन में खड़े हैं कहीं वो अच्छी आर्ग्यूमेंट ना कर दे और मैं हार ना जाऊं, तो आप कभी केस जीतोगे ही नहीं। जिंदगी में सबसे पहले हार का डर आपको दिल से निकालना है, और जिस दिन ये डर आप दिल से निकाल दोगे कि मैं हार सकता हूं, आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। जब भी हम कुछ काम करने के लिए सोचते हैं और दिल में पहला ख्याल ये आता है कि मेरी जमा पूंजी जिंदगी की जोड़ा है सब कुछ मैंने, कहीं वो भी ना गवा बैठूं, तो कभी भी आप उस काम में या उस बिजनेस में तरक्की आप पा ही नहीं सकते। सबसे पहले डर को दिल से निकालो। डर जब तक आपके दिल में है हारने का, तब तक आप जीतोगे नहीं। कुछ भी काम जिंदगी में आप करना चाहते हो, कोई भी जिंदगी की सक्सेस पाना चाहते हो, जिंदगी में कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आए या जिंदगी में कोई कितना भी बड़ा चैलेंज आए, पर सबसे पहले आपको यही सोचना है, यही आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं और मैं इसमें जीत जरूर जाऊंगा और मैं इसमें कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो कोई दूसरा मुझसे बेहतर नहीं कर सकता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि जो काम आप जितनी खूबसूरती से, जितने अच्छे कॉन्फिडेंस से आप कर सकते हो, उतना कोई दूसरा आपके लिए वो काम नहीं कर सकता। सबसे पहले दूसरों पर डिपेंडेंसी बंद करो, दूसरों पर डिपेंड मत होइए, और साथ में ही कोशिश कीजिए अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने की। जब तक आप ये कोशिश नहीं करेंगे, आप बेहतर बना नहीं पाएंगे। पर डर को अपने आप पर हावी मत होने दो, डर को अपने मन में जगह मत लेने दो। कुछ भी करना है जिंदगी में बड़ा, तो हमेशा बस ये सोच लीजिए कि आप ही वो काम कर सकते हो। निराशावादी व्यक्ति हमेशा निराश ही रहता है, हमेशा वो यही सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और आशावादी जो व्यक्ति होता है, वो कोई भी काम करने से पहले ये जरूर सोचता है, और मैं इस काम को बखूबी कर सकता हूं। यही जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, यही जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं आपके दिल के, यही आपको जीतने पर मजबूर कर देते हैं। आपकी जो मेहनत होती है, वो मेहनत रंग लाती है। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जीत का जश्न मनाना एक स्वाभाविक है, पर वो लोग जो जानते हैं मैं काम कर सकता हूं, वो जिंदगी में बार बार बड़ी से बड़ी चुनौतियां लेते ही चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए जहां पर आप थक कर बैठ जाएं, या फिर आपको लगे कि नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब मैं जीत नहीं सकता या मैं जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकता, तभी आपको ऐसे एग्जांपल्स का साथ ले लेना चाहिए जिन लोगों ने करके दिखाया है, जो इम्पॉसिबल चीजें थी उनको भी पॉसिबल करके दिखाया है। सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना है। जिस दिन आपका दिल ये बोलना शुरू कर देगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं और यह चीज मैं ही कर सकता हूं और मैं ही इस चीज को और बेहतर कर सकता हूं, उसी दिन से आपकी जीत की जो तरक्की की सीढ़ियां हैं, वो अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। अपने आप से बिल्कुल मत हारिए, और हमेशा जब भी आप कोई काम करने जाएं, हमेशा पॉजिटिव रहिए और डर को, हार को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। जब पहले से ही आप हार जाओगे, पहले से ही नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में आएंगे कि ये काम आप नहीं कर पाओगे या आप हार सकते हो, तो आपकी हार निश्चित है। और अगर आप कोई भी काम ये सोच के करेंगे कि आपको कोई हरा नहीं सकता, तो मेरा मानना है आप किसी से हारोगे भी नहीं। तो अपने आप से जीतिए और जिंदगी में और अच्छे अच्छे मुकाम पाते चले जाइए।